नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। कोरोना महामारी के चलते इस बार नहीं निकल सकेगा 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, अभी नहीं हो पाई है सीरत कमेटी की मीटिंग, जल्द ही सीरत कमेटी की होगी मीटिंग। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। लंबे समय से चला आ रहा सीरत कमेटी का विवाद आखिरकार सुलझने की कगार पर है। आपसी समझौते पर ना तुम्हारा ना हमारा पर बात बन सकती है। जंगे आज़ादी के समय से बनी सीरत कमेटी एक वाहिद मुस्लिमों की कमेटी है जो इतनी पुरानी होने के बाद भी इतनी सक्रिय है, परंतु कुछ विवादों के चलते अभी कमेटी सुर्खियों में रही। कमेटी में सदस्यों को द्वारा खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिसके कारण सीरत कमेटी सुर्खियों में रही। जबकि पहले भी कई बार सीरत कमेटी में विवाद हुआ जिसको बड़ी सरलता से आपस में बैठकर बात कर मामले को सुलझाया लिया गया। इसी बात को लेकर हमारे संवाददाता हारून बख्श की एक खबर सीरत कमेटी के बहुत पुराने सिपह सालार जनाब हाजी शराफत खां उर्फ भोले भाई से हुई। तो आइए देखते हैं उनके वीडियो आगे का। और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। जी, आपका नाम? जनाब हाजी शराफत खां उर्फ भोले भाई। मैं 1994 से सीरत कमेटी में हूँ जी। उसके बाद हम 4 साल खजानची बने, फिर हम सेक्रेटरी बने जी, फिर हम एडहॉक कमेटी के भी कन्वीनर बने जी, और उसके बाद फिर सेक्रेटरी बने 5 साल के लिए, फिर सरपरस्त बने। अब जो कमेटी मौजूदा आएगी उसमें भी हम अपने वरिष्ठ सदस्यों में हैं जी। और अभी जो कमेटी के विवाद चल रहा है ये कोई वो नहीं है, आपस से बैठ सब निपट लेंगे हम लोग। और जो कमेटी असीन भाई ने बनाई है वही कमेटी है, उसका उनके पास सरपरस्ती का कागज़ है। उस टाइम में फंसी मुजीबी सदर थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था आप कमेटी चुनिए, और इससे पहले भी 2 बार कमेटी वही बना चुके हैं, उन्हीं ने सदर चुनाते थे, वही सेक्रेटरी चुनते थे, वही खजानची चुनते, किसी भी कोई आपत्ति नहीं होती थी, कोई तकलीफ नहीं होती, सब लोग खुशी से हार पहन लेते थे। इस बार कुछ ऐसा हो गया इंतजाम के वो मतलब गड़बड़ हो गई कुछ, लेकिन बैठ के वो भी निबट गया मामला जी। फिर वो सेक्रेटरी कारी मुख्तार आलम बना दिया गया, और सदर हमारे पुराने जो मेंबर थे सैयद सलीम हैदर, उनको बना दिया गया जी। और जो विरोध कर रहा है इन्हीं लोगों ने नाम दिए थे, इन लोगों को कोई मतलब हम लोगों तक कोई विरोध ही नहीं था जी जी, इन्हीं लोगों ने नाम दिए थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो नहीं, वो ठीक है आदमी, या वो नहीं सही है, ये नहीं सुन रहे हैं। और हसीन भाई ने तो जो मेंबर चुने वही कमेटी में रहेंगे जी, उनको वोट देने का भी अधिकार है। अगर किसी जगह में इलेक्शन होगा जी, मानना नहीं बेटा, तो अब तो इलेक्शन करवाएंगे हसीन भाई जी, वोटिंग करा देंगे, वही पुराने मेंबर जो हसीन भाई ने बनाए हैं 68 के जितने भी हैं, वही वोट भी करेंगे। उनको सर्टिफिकेट भी दिया हसीन भाई ने, और फसी मुजीबी दस्तखत हैं, काजी मुतार अली की दस्तखत हैं, सब लेटर हसीन भाई पास आएगा, पर उसका ऑर्डर आएगा उनके पास कमेटी चुनने का जी, उसी हिसाब से उन्होंने चुनी। और इससे पहले भी चुनते चले आ रहे हैं, कभी कोई इतना नहीं होता, इस बार जो हो गया ऐसा है वो भी मौना चतुर्वेदी गण बैठ गया, वो निबट गया जे। अब वो फिर जे हम देख रहे हैं ये टीवी पे, उस पे, मोबाइल पे ये खबरें आ रही चल रही, खैर जे कोई बात नहीं, सब निबट दे भी जाएगा, हम लोग बैठ गए। और अभी मौजूदा जो इस साल जो जुलूस निकलने की बात है, ये कोई परमिशन तो दे रही नहीं, होता जुलूस नहीं निकलेगा, उम्मीद है नहीं निकलेगा, जुलूस तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग जलसे के रूप में थोड़ा और बैठ गए, प्रोग्राम जश्न विलादत मनाएंगे, बात करेंगे अपने बैठ गए मस्जिद में बैठ गए जी जी, अपने जलसा कर लेंगे थोड़ा बहुत, उसका भी ऑर्डर भी नहीं मिला रहा है जी, जलसे का भी ऑर्डर नहीं मिला है। तो आप अभी कोई मीटिंग नहीं हुई? अभी कोई मीटिंग भी हमारी नहीं हुई है, बैठे कर लेंगे, लेकिन ये उम्मीद है कि जुलूस नहीं निकलेगा, इसीलिए इस बार चंदा ही मना कर दिया हमने, चंदा कोई चंदा नहीं, जब जुलूस ही नहीं निकले चंदा फिर कहा, जब जुलूस निकले अगले साल इंशाल्लाह तो चंदा भी हो जाएगा, चंदा देने से कोई मना तो करता नहीं है। सीरत कमेटी इतनी रिस्पेक्टेड कमेटी है हमारी, उसी को रसीद दिखा दे चंदा मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे गलत सलत आ गएंगे तो सीरत कमेटी हमारी बदनाम होने लगी है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे हम हसीन भाई कि सीरत कमेटी जैसे पुरानी थी वैसे ही पैटर्न पे चले जी, बस उम्मीद है हमारी से इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग आशिक रसूल हैं, कोई हम लोग राजनीति वीति वाले नहीं आएंगे, नबी के मोहब्बत में हम लोग सब लगते हैं, हमारे सब मेम्बर लोग खूब अपने काम करते हैं मोहब्बत से, जश्न विलादत मनाते हैं हम लोग,
आइंदा ही मनाएंगे, इस साल की तो अलग बात है कि नहीं होगा जुलूस। जो चलिए भोले भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम।